अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख अवेस। आज मैं बैठा हूँ जायदाद ग्रुप के सीईओ अजीम साहब के साथ। हम करेंगे कुछ सवाल आजकल के हालात को देखते हुए। तो अजीम साहब, ये बताइएगा, आजकल की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और पेट्रोल हाइक करने जा रहा है, सुना है कि ट्रांसपोर्ट भी वो पेट्रोल की वजह से हड़ताल करने वाली है, तो इससे रियल इस्टेट पे और खासतौर पर बहरिया टाउन पे क्या असर पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम जायदाद वालों, थैंक यू शेख अवेस साहब। एंड व्यूअर्स, बहुत ही हॉट टॉपिक है और आज के दौर का ये कहते हैं ना करंट इशू यही है। अफरातेज़ार इन्फ्लेशन बहुत स्पीड से जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल प्राइसेस पिछले 15 दिनों के अंदर 3 दफ़ा बढ़ चुकी हैं, यानी 84 रुपीज़ तक ऊपर चली गई है। इस तरह जो डीजल है वो भी बढ़ा चुका है। इस तरह 45% गैसेस बढ़ गई हैं, गैस प्राइस बढ़ गई है, बिजली भी तकरीबन कहें 16 से 20 रुपये यूनिट बढ़ा दी गई है। तो इसका तमाम का तमाम इम्पैक्ट ओवरऑल हर चीज़ के ऊपर आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कह लें कि कनेक्टेड होती हैं आपकी हर चीज़ के साथ, क्योंकि फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे, हर बंदे की वो चीज़ें कीमतें उसके बढ़ जाएंगी। तो उस वजह से लोग परेशान भी हैं। इसके ऊपर मेरी काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, आप लोग इसको देख भी रहे होंगे। लेकिन ये बार बार सवाल किया जब अवैध साहब से लोगों ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी मैं भी आपके साथ इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ और लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाह रहा हूँ। और दूसरा ये इसके साथ, क्योंकि जब भी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है तो लोग ये समझते हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका, और प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा स्पेशली खासतौर पर बहरिया टाउन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची इस वक्त एक नया उभरता हुआ शहर है। जब भी नए उभरते हुए शहर में इस वक्त जब डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो उसके अंदर हमेशा ग्रोथ होती है। और ग्रोथ 100 कह रहे हैं कि 100% नहीं, 300-500% होती है। आप जो चीज़ आज लेंगे वो 3-4 साल बाद वो 300-400% इंक्रीज़ करेगी, इंस्टेड ऑफ जो एक शहर ऐसा हो जहाँ पे ऑलरेडी आबादी मौजूद हर चीज़ हो। तो नए शहर के अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि चीज़ें पहले ही बहुत सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड सिटी। जैसे कराची के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है जैसा कि बहरिया टाउन के अंदर है। तो शॉर्ट टर्म के ऊपर महंगाई का असर पड़ता है, उसका ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर भी असर पड़ता है और बहरिया टाउन के ऊपर भी ये असर आएगा। शॉर्ट टर्म पर लोग परेशान हो जाते हैं, बाइंग सेलिंग रोक देते हैं, टैक्सीज भी लगते हैं, टैक्सीज की वजह से भी लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है, 3 से 6 महीने। इस बार नई गवर्नमेंट इलेक्शन होंगे, स्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो नई गवर्नमेंट आएगी उस वक्त फिर नया बजट आएंगे, फिर टैक्सेज हो सकता है ये रिमूव हो जाए, क्योंकि सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या प्रॉपर्टी रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, जिससे तकरीबन 70 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज अटैच हैं, हर बंदा इसके साथ कहीं ना कहीं से अटैच है, और जिस वजह से जॉब्स भी क्रिएशन होती है। तो ये गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के ऊपर तो वो प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि IMF को पेमेंट्स करनी होती हैं या उनके साथ डीलिंग होती है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा टैक्सेस लगते हैं 2-4-6 महीने, उसके बाद दोबारा इसको वेव ऑफ कर देंगे और उम्मीद है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस बेहतर हो जाएंगी। अगर आप मेरी बात से नहीं भी इत्तेफाक करते तो आप मुझसे क्वेश्चन में कमेंट्स में आस्क भी कर सकते हैं। दूसरी बात आपने क्या पूछा था, सॉरी, मेरा दूसरा जैसे सवाल था कि अभी जो पिछले दिनों खबर आई थी कि बहरिया टाउन को कुछ और एरिया लीज हो चुका है, तो वो क्या था, लोग पूछना चाह रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है। अच्छा, आज सारे सवाल बहरिया के ऊपर ही होंगे, ठीक है, लेकिन हम डिस्कस भी बहरिया को ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताएं कि कोई लीज नहीं हुआ पहले बहरिया को, जो वो एक मास्टर प्लान है जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जगह बहरिया को अलॉट कर दी और उसको फाइन लगा के, ठीक है, हम इसको जितना भी आपकी तकरीबन 16,998 एकड़ जगह थी वो हमने आपकी अप्रूव कर दी है, जो भी जैसे भी ली जैसे भी ली उसको हमने फाइन लगा के, तो ये फुल कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट उसने ये ऑर्डर दिया कि हम इसको अप्रूव करते हैं और साथ में इसको फाइन लगाते हैं और अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि जितने भी सिंध गवर्नमेंट है या उसके जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे SBCA है या कंटोनमेंट बोर्ड है, सबको ऑर्डर में लिख दिया कि आप इनको लीज भी दें, इसका जो मास्टर प्लान बना है जो डेवलप हो चुका है या फर्दर डेवलपमेंट हो रही है उसको अप्रूव किया जाए और उसके ऊपर उसको लीज साइन भी की जाए, जो इसकी कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई वो पूरी की जाए। तो वो इन द प्रोसेस है। ये पहला स्टेप ये था कि इसका मास्टर प्लान को अप्रूव कर दिया एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसका प्रोसेस है लीज की तरफ, तो वो भी वेरी, क्योंकि ये ऑर्डर है, ये होनी ही होनी, लीज मिलनी मिलनी, आज तो 6 महीने साल बाद मिल जाएगी,
जैसे लीज होगा तो उस वक्त प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बैटॉन में बहुत ऊपर चली जाएंगे। अच्छा एक और सवाल है, आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आज 17 जून है और ठीक एक साल पहले 6 जून को बैरियर टाउन पे एक इंसिडेंट हुआ था, सानिया हुआ था, तो उसके बाद क्या बैरियर टाउन की वैल्यू गिरी है, क्या हुआ? अच्छा ये जो एक सानिया हुआ था वो कुछ लोग ऐसे थे जो जिसको वो कह रहे थे कि हमें यहाँ पे ये लैंड हमारी है तो इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, उन्होंने कहा कि इसको तोड़ फोड़ की, तो इसका डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया था। उन्होंने कहा था ये अटैक बाहरी टोन के ऊपर नहीं हुआ, हमारे ऊपर हुआ, क्योंकि ये लैंड की अप्रूवल किसने की थी, सुप्रीम कोर्ट ने की थी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर या पूरे मीडिया या जितने भी डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्यों कर रहे हो, ये लोगों के ऊपर क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो बाहरी टोन है ये तो अप्रूवल बाय और पूरा का पूरा सेस जितना भी है ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया था। और यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो अब बाहरी टोन के हाथ से निकल के ये कह लें कि एंड यूजर तो चलेगी है, 10 से 20 लाख लोगों की इन्वेस्टमेंट है और ये एंड यूजर की है, यानी मेरा आपका इस तरह आप सुनने वालों की भी इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये उनका लॉस होने का था चांसेस, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने फौरन एक्शन लिया और जो उनके ऊपर केसेस बने और हो गए और अब वो आवाज बंद हो गई क्योंकि वो गलत थे इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये चीजें तो ऑलरेडी जो लैंड परचेज करके बैरी टोन ने खरीद ली थी उसके बदले लैंड बैरी टोन उसका फाइन भी पे कर रहा है और उसको अप्रूवल भी होगी सुप्रीम कोर्ट से और इसकी लीज भी मिल जाएगी। लेकिन इस वजह से उस वक्त आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्राइस गिरी कि नहीं, उसके बाद एक आधा हफ्ता तो ऐसा रहा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड से ऊपर गई क्योंकि ये मसला खत्म हो गया, जो इशू था वो इशू ही खत्म हो गया, तो इस वजह से प्राइसेस बड़ी ऊपर हुई। तो ये प्राइसेस इस तरह बढ़ती है क्योंकि ये नया ग्रोइंग शहर है। अच्छा आजकल एक बहुत ज्यादा एक बात का चर्चा है वो ये कि जो समरी पेश की गई है आजकल, जिसमें पता ये लगा है कि टैक्स जो है फाइलर और नॉन फाइलर दोनों में बढ़ रहे हैं, तो उससे इन्वेस्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर आएंगे? देखिए इन्वेस्टर जो होता है व्यूअर्स आपको भी बताते चलेंगे सबसे पहले कि टैक्स क्या लगे हैं, अभी अप्रूव नहीं हुए, ये एक कह लें कि प्लानिंग में है, एक ज़िमनी है और एक प्रपोजल आया है जिसमें ये है कि जो फाइलर है उसको, क्योंकि IMF की रिक्वायरमेंट है और लोगों को गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करना है, तो उन्होंने कहा है कि जी जो फाइलर है पहले 1% टैक्स पे करता था अब 2% पे करेगा, अभी अप्रूव नहीं हुआ। दूसरा जो नॉन फाइलर है वो 2% से 5% होगा, इससे ये होगा कि इन्वेस्टर को जो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ट्रांसफर पे उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसके अलावा वो जो है कैपिटल गेन टैक्स वो भी अप्रूवल नहीं हुआ तो उसके ऊपर भी ये है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, इस वजह से इन्वेस्टर जो रुक जाता है तो वो सोचता है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा या मुझे ये है कि पता नहीं मैं कब सेल कर सकूँ, तो उस वजह से वो रुक जाता है। लेकिन उसका बेहतरीन हल है कि हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, आपके रेजिडेंशियल से कमर्शियल के अंदर आ जाएं, कमर्शियल में प्राइस भी अप्रिशिएट हो रही होती है, आज से ही आपको रेंटल डिस्काउंट यानी आपको मंथली इनकम भी मिलनी शुरू होती है और ये बहुत इस पर टैक्स भी कोई नहीं है, हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है चलें अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आप अगर आजकल के हिसाब से जो भी हालात चल रहे हैं बैरियर टाउन के हिसाब से, जो भी आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन जाननी हो उसके लिए हमारे चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।